नमस्ते बच्चों, वेलकम टू बाल गोविंदम स्कूल। आज मैं कक्षा 9-10 व्याकरण अलंकार का भाग 3 लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने आपके अलंकार का भाग 1 भेजा, अलंकार भाग 2, अब अलंकार भाग 3 में बचे हुए प्रकारों को समझा रही हूँ। हमारे 4 अलंकार पहले वाले PDF में हो चुके हैं। अब उसका अगला जो 5वां अलंकार है वह रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ। जहाँ उपमेय और उपमान का अभेद रूप से आरोप किया गया हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। आपको समझ आ जाएगा, जहाँ उपमेय और उपमान का अभेद रूप से आरोप किया गया हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो पहले आप उपमेय उपमान का अर्थ समझ लें। जैसा कि मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है, उपमेय जिसकी तुलना की जाती है और उपमान जिससे तुलना की जाती है। समान धर्म जिस चीज की तुलना की जाए वह समान धर्म होता है, और वाचक जो शब्द तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाए वह वाचक होता है। इस परिभाषा को मैंने आपको इसलिए कंफर्म किया है कि आपको उपमेय उपमान और समान धर्म वाचक तीनों चारों का अर्थ पहले आना चाहिए। अब मैं आपको रूपक अलंकार का उदाहरण दे रही हूँ। चरण कमल बंधो हरि राई, चरण कमल बंधो हरि राई। यहाँ पर भगवान के चरण की तुलना बिना किसी भेद के कमल से की गई है, तो यहाँ अलंकार हुआ रूपक अलंकार। आपको समझ आ गया होगा कि रूपक अलंकार कौन सा, जिसके अंदर उपमेय और उपमान में अभेद रूप से यानी बिना किसी कारण बिना किसी भेद किए सीधा उसको आप बता दिया जाता है। जैसे कमल को सीधा भगवान के चरण बता दिया गया तो वहाँ रूपक अलंकार होगा। अब हमारा नेक्स्ट जो अलंकार है 6, अतिशोक्ति अलंकार। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, अतिशोक्ति किसी बात के बारे में बड़ा चढ़ा कर जब हमको बात बताते हैं, जब हम किसी बात को बड़ा चढ़ा कर बताते हैं तो वहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार होता है। जैसा कि इस परिभाषा से आपको पता चलेगा, जब लोग सीमा का अतिक्रमण करके किसी बात को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए तो वहाँ अतिशोक्ति अलंकार होगा। आपको मैंने परिभाषा से पहले ही समझा दिया था। जैसा कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि अतिशोक्ति अलंकार क्या है, यानी किसी बात को हमें बढ़ा चढ़ा कर जो बोलते हैं तो वहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार होता है। यहाँ मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। यहाँ पर इस पंक्ति के अंदर हमें बताया जा रहा है कि कृष्ण भगवान जब सुदामा और कृष्ण भगवान से मिलने आए थे, सुदामा जी कृष्ण से मिलने आए तो कहते हैं कि पानी की परात में उन्होंने धोए नहीं उनके पैर, उन्होंने अपने नैन यानी उनकी आंखों से जो आंसू बहे थे उन्हीं से उनके पैर धोए। तो अब देखो इस बात को बढ़ा चढ़ा के कवि ने बता दिया है कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, यानी यहाँ पर कृष्ण और सुदामा का जो प्रेम है उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखा दिया गया। अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, अतिशोक्ति अलंकार। नाम से ही आपको पहचान लेना है, जहाँ जिस चीज़ को बड़ा चढ़ा कर बताया जाए वहाँ अतिशोक्ति अलंकार होता है। अब हमारा नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका अर्थ मैं आपको बताती हूँ, उस काल मारे क्रोध के तनु कापने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उस काल मारे क्रोध के तनु कापने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ क्रोधित अर्जुन के शरीर के सागर के तूफान की संभावना व्यक्त की गई है। यहाँ पर क्या है, जब अर्जुन क्रोधित थे युद्ध के अंदर तब उनके जो शरीर का जो ताप था उसकी तुलना किससे की गई, सागर में जो तूफान उड़ता है उससे की गई है। अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, अब मैं आपको नीचे नोट भी दे रही हूँ जिसमें लिखा है मानो मनु मनु जानू जनहू आदि। अगर ये शब्द कहीं पंक्ति में आते हैं तो इसका मतलब वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। हम इन शब्दों के द्वारा ही पहचान कर लेंगे, यानी हमें ऐसा महसूस करवा देते हैं इन शब्दों मानो मनुहु मनुहु जानू जनहु आदि। इन शब्दों से हमें यह पता चल जाता है कि वहाँ किसी चीज़ की तुलना की जा रही है और प्रकट हो रही है ऐसा उपमान की संभावना दी जा रही है जो उपमेय से की गई है। ठीक है, अब हमारा लास्ट 8वां है मानवीयकरण अलंकार। मानवीयकरण अलंकार जिसका कि आपको पता है कि जहाँ बेजान वस्तुओं का चित्रण जीवदारी की तरह हो, यानी ऐसा
ऐसी तुलना जहाँ बेजान व्यक्ति बेजान वस्तु का चित्रण जीवधारी से किया जाए वहाँ मानवीय अलंकार होता है। आए महंत बसंत यहाँ महंत यानी साधु की जो तुलना है, साधु जो कि एक सजीव व्यक्ति है उसकी तुलना वसंत ऋतु से की गई है जो कि एक निर्जीव है। यानी इस परिभाषा से आपको ये समझना है बेजान वस्तुओं की जब तुलना हम अगर किसी सजीव व्यक्ति से कर दें तब वहाँ पर मानवीय अलंकार होगा। जैसा कि यहाँ पर बसंत ऋतु है जो निर्जीव है और महंत यानी साधु है जो सजीव है, तो जब साधु लोग आते हैं तो ऐसा लगता है कि बसंत आ गया। यानी साधु की तुलना हमने किससे कर दी, सजीव की तुलना हमने निर्जीव से कर दी। अब है हमारा अनुक्ति अलंकार। जब काव्य में किसी अन्य के माध्यम से किसी को कोई बात कही जाती है तो वह अनुक्ति अलंकार है। इस अलंकार में क्या है कि जब काव्य में किसी अन्य के माध्यम से हमें बात किसी और को कहनी है लेकिन किसी को माध्यम बना के जब हम कहते हैं तो वह बात उस समय वहाँ अनुक्ति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखो, माली आवत देख कर कलियाँ करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। यानी वापस इस पंक्ति को हम पढ़ेंगे, माली आवत देख कर कलियाँ करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। अर्थात यहाँ माली का अर्थ है मृत्यु से लिया गया है। इस पंक्ति के अंदर माली का जो अर्थ है वो मृत्यु से लिया गया है। कवि कहते हैं जिस प्रकार एक माली आता है और सभी फूलों को चुन लेता है उसी प्रकार एक दिन सबके मृत्यु निश्चित है। यानी अब एक माली जब फूलों के बाग में आता है तो उस प्रत्येक फूल को चुन लेता है ना। और तो उसी तरह जब मृत्यु आती है तो सबकी एक दिन सबकी मृत्यु आती है। ये नहीं है कि मृत्यु किसी की नहीं आएगी, मृत्यु सबकी आएगी लेकिन एक दिन हमारी बारी भी आएगी। यानी इस पंक्ति के अंदर इस जो अनुक्ति अलंकार है मैंने आपको पहले ही बताया, बात कहनी है हमें लेकिन किसी और के माध्यम से कही जाए तब वहाँ अनुक्ति अलंकार होगा। अब हमारा लास्ट अलंकार है संधि अलंकार। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि संधि अलंकार हमें किसी बात पर शक होता है तब वहाँ कौन सा अलंकार, जैसे परिभाषा जब काव्य का वर्णन इतना संदेहपूर्ण हो कि किसी वस्तु का निश्चय न जान पाए तो वहाँ संधि अलंकार होता है। जैसे हम काव्य पढ़ रहे हैं, काव्य के बीच में हमें कुछ ऐसी पंक्ति आती है जिस वस्तु का हम निश्चित ही नहीं कर पाते ये क्या है, तो वहाँ संदेह होता है। तो उस समय उस निश्चित अनिश्चित जगह पर हम संधि अलंकार कहेंगे। उदाहरण से समझ लीजिए, साड़ी पिछ नारी है कि नारी पिछ साड़ी, साड़ी ही की नारी है या नारी की ही साड़ी है। यानी हम इस पंक्ति से समझ रहे हैं कि साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है या नारी ही की साड़ी है। यानी यहाँ साड़ी और नारी में इतना संदेह है कि नारी और साड़ी का वर्णन बहुत कठिन हो गया है। यानी आपको बात से जैसे कि अलंकार लिखा हुआ है संदेह अलंकार, यानी जहाँ बात हम निश्चित नहीं कर पाते हमें संदेह रहता है कि ये चीज़ है या नहीं, तो वहाँ पर संदेह अलंकार होगा। तो आज हमारे अलंकार का टॉपिक ख़त्म हुआ। आप सभी बच्चों से निवेदन है कि आप इन सबको एक बार पढ़ें और अच्छे से याद करने की कोशिश करें ताकि जब भी आप पद भाग के पाठ पढ़ें तब आप इनका उपयोग कर सकें। धन्यवाद।